मैदानों की बारिश तो आपने देख ली, चलिए अब रुक पहाड़ों का कर लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब का जो कपाट है आज बंद हो रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने में अड़चन पैदा कर रही है। नीति घाटी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, वहीं पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी से यहां भी सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदला और उत्तराखंड के पहाड़ों में हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। जिधर नजर दौड़ाइए यही नजारा देखने को मिल रहा है। पेड़ पौधे, गाड़ी से लेकर टेंट और भवन तक हर तरफ सफेद चादर। चमोली में तीन दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी ने यहां के नजारे को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब आधा फीट मोटी बर्फ की चादर में लिपट गया है। बर्फबारी ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के साथ ही लक्ष्मण मंदिर की छवि को और भी दिव्य बना दिया है। लोग इस बर्फबारी का आनंद भी उठाते दिख रहे हैं। हालांकि ठंड बढ़ने से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद यहां बर्फबारी में पहुंचना आसान नहीं है। यहां साल भर में 8 महीने बर्फबारी के चलते कपाट सिर्फ 4 महीने के लिए ही खोले जाते हैं। पिछले 3-4 दिन से मौसम का जो मिजाज है थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हल्की बारिश भी हो रही है और चोटियों पर बर्फबारी भी हो रही है। 2013 के बाद इस साल हमने देखा है कि जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से तिगनी हुई है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी से लोग दिवाली के कुछ दिन पहले निचली जगह पर लौट आते हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर के शुरुआत में ही बर्फबारी ने उन्हें अचंभे में डाल दिया है। बर्फबारी से ठंड का आलम ये हो गया है कि लोग सुबह से ही अलाव और गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने के लिए बेताब दिखते हैं। पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश के बाद जमकर बर्फबारी हुई है। यहां भी हर तरफ सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। ब्यास वैली के ओम पर्वत, आदि कैलाश के साथ ही नाभी और कुटी गांवों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इसके अलावा पंचाचुली, राजरंभा और हंसलिंग की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है, जिसके चलते निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ धाम की चोटियों पर जमकर बर्फबारी तो मंदिर परिसर वाले इलाके में बारिश हो रही है। बारिश के चलते यहां अचानक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा लोगों को बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाते तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। ठंड और बारिश के बीच बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कतार में लगना पड़ रहा है। केदारनाथ धाम के अलावा पूरे रुद्रप्रयाग जनपद में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चमोली से कमल ने, पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।